तो दोस्तों अभी अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग T20 अल्ट्रा क्लीनशिप करके हम लोग आ रहे हैं, जबरदस्त प्रॉफिट करके आ रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे साउथ अफ्रीका T20 भी अच्छा जाए। मुकाबला जो खेला जाएगा JSK वर्सेस PRC के बीच मुकाबला खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका T20 के पूरे सीरीज उठाकर देखोगे तो हम लोगों के लिए काफ़ी शानदार मिनी जीएल अल्ट्रा क्लीनशिप के लाग पास गया, सीरीज काफ़ी शानदार गया है। तो उम्मीद करेंगे यह भी सीरीज इसी तरह से शानदार जाए भगवान की कृपा से। तो मेरे भाई मुकाबला नाइट में 9 बजे खेला जाएगा। इनके अलावा UAE T20 भी कवर कर रहा हूँ, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी कवर कर लिया, ऑलरेडी प्रॉफिटेबल गया। तो मेरे भाई अगर यदि आप इस मुकाबले को हमारे साथ खेलना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहां पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूं, इनके अलावा जीएल का टीम, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, यानी कि बेहतर से बेहतर शानदार से शानदार टीम बनाने के लिए जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है मेरे भाई सारा कुछ इस टेलीग्राम चैनल पे ही देता हूं। 55K सब्सक्राइबर के आसपास दिखेगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर कमेंट पे जैसे क्लिक करोगे ना टॉप कमेंट पे ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक ब्लू कलर में दिखेगा, सौरभ सामाजिक 84 पे क्लिक करते ही इस टेलीग्राम चैनल पे आओगे, ज्वाइन रहेगा, ज्वाइन हो जाना है, बिल्कुल हर एक मैच का फ़ायदा उठाओ फ्री में। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए JSK की टीम, अभी तक सीरीज में इन्होंने 3 मुकाबला खेला। फाउ डु प्लेसिस के ऊपर मैं हमेशा क्यों रिस्क लेता हूँ, इनका अब रिकॉर्ड देख लो, पहला 10 रन, 7 रन, 6 रन, 3 मुकाबले इन्होंने इस तरह से इनिंग खेली। रिजा हेंड्रिक्स इंपॉर्टेंट रहेगा, जिस मुकाबले मैंने पिक किया था उसी मुकाबले में इन्होंने 38 रन की पारी खेली, बाकी ये 2 मुकाबला हमने खेला ही नहीं, जो सच्चाई है वो, तो उन दोनों पे फ्लॉप गया। एल्डोपोली की बात की जाए, इनको मैंने 1 मुकाबला पिक किया, सिलेक्शन बहुत ज़्यादा था, कैप्टन VC भी लोग किए थे, उस मुकाबले में इन्होंने मात्र 1 रन बनाए, बाकी इनका करियर रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर सीरीज में भी 71-48-1 करके आ रहे हैं। इनके अलावा W मेडिसन की बात की जाए, खेलेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, हालांकि लास्ट मैच में 0 पे आउट हुए। मोइन अली गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों तो कर रहे हैं लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी पिक करना चाहिए, 18-36-11 का योगदान दिया, गेंदबाजी से 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट इनका ये रहा। डी पेरेरा की बात करें, इनका करियर रिकॉर्ड बहुत बढ़िया, हारीटिन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब तक सीरीज में 5-4-14 का ही रहा। रोमारियो सेफर्ट की बात करें, डेथ का बेस्ट गेंदबाज तो है और बल्लेबाजी मिलने पे बल्लेबाजी भी कर लेता है, 0-0-34 का योगदान दिया, गेंदबाजी से 0, 1 विकेट 1 विकेट इसे करके आ रहे हैं। एफ हंगिसो की बात की जाए, मात्र 1 मुकाबला खेला, विकेट लेस गया, 7 रन बल्ले से। एल विलियम्स को हमने उस दिन हम लोगों ने कैप्टन देने की बात किया, उस मुकाबले में उन्होंने 4 विकेटें ले गए। इनके अलावा तो एल विलियम्स इंपॉर्टेंट है कैप्टन VC में, इसलिए इनको देता हूँ। एन बर्गर पहले गेंदबाजी में इंपॉर्टेंट रहेगा, इनका भी रिसेंट फॉर्म देखो, 0, 1 विकेट 2 विकेट ऐसे करके। इमरान ताहिर लगातार 1 विकेट 1 विकेट करके ले रहे, क्वालिटी स्पिनर, तो अगर यदि स्पिनर को थोड़ा बहुत मदद मिला इस पिच पे तो फिर ये कहर बन पाएगा, याद रखना। बाकी दूसरे टीम का देखा जाए, पी साल्ट चले तो खूब, नहीं तो सस्ते में निपट जाता है। विल जेक लास्ट मुकाबले में भाई जिस तरह से इन्होंने इनिंग खेली भाई, शतक जड़ दिया, फिर गेंदबाजी से 2 विकेट ले गए भाई, हर तरफ विल जेक ही नजर आए, तो कैप्टन VC का सेफ और बढ़िया चॉइस ये होने वाला है। टीडी बर्ने खराब फॉर्म इनका लगातार चल रहा है, इनका करियर रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है डोमेस्टिक में भी, बाकी इनका फॉर्म खराब जा रहा है। रिले रोसाउ लास्ट मैच बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आए, इनका नतीजा हुआ कि अपने विकेट वो फेंक गए, बाकी 82-29 का अच्छा इनिंग खेला, इंपॉर्टेंट रहेगा। कोलिन इनग्राम हमेशा ये स्ट्रगल करते हैं, लेकिन लास्ट मुकाबले में पता नहीं इन्होंने अच्छी इनिंग खेली तो लोगों के ऊपर इनके ऊपर भरोसा आया होगा, हालांकि ज़्यादा खास ऑप्शन रहेगा नहीं। जेम्स निसम गेंदबाजी भी करता लेकिन बल्लेबाजी बहुत ज़्यादा नीचे आता, हालांकि ट्राई कर सकते हो, कैप्टन VC ना ही दो तो बेहतर रहेगा। सी बोच इनको ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है, गेंदबाज काफ़ी बढ़िया, एक ऑलराउंडर की सूची में ये आता है, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करता है। W परनेल भी ये ऑलराउंडर की सूची में आता है, लास्ट मैच इन्होंने खेला, कैप्टनसी भी किया, 2 विकेटें ले गए, तो W परनेल इंपॉर्टेंट रहेगा, बल्ले से कुछ हद तक योगदान देता है लेकिन गेंदबाज तगड़ा है। ई बोच इनका भी करियर रिकॉर्ड बढ़िया है लेकिन सीरीज में अब तक फ्लॉप रहे। SB जोन इनको ट्राई करना चाहिए, 2 विकेटें 1 विकेट 0 विकेटें, यानी पहले गेंदबाजी में डेथ में भी डालता है। आदिल रशीद, इमरान ताहिर दोनों को मैं एक तरह का गेंदबाज मानता हूं, दोनों विकेट के लिए जाते हैं, हालांकि थोड़ा बहुत विकेट में हेल्प मिला तो और ये घातक साबित होंगे, और दोनों ने कुल मिलाकर 3-3 विकेटें ले गए, हालांकि ये लास्ट मैच में विकेट लेस गए, 1 विकेट 2 विकेट इनका सीरीज में रहा है। बाकी मेरे भाई पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ से देख सकते हो, पिच रिपोर्ट जो है यहाँ पर फास्ट गेंदबाज और बैटर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प है, बल्लेबाजी करना इजी तो होता है लेकिन जहाँ तक गेंदबाजी की बात हो तो फास्ट गेंदबाज को ज़्यादा हेल्प मिलता है, वो क्वालिटी स्पिनर ही इस पिच पे वर्क कर पाता है।
तो मेरे भाई जो इम्पोर्टेंट था हम लोगों ने देख लिया, अब जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉम्बिनेशन। चलिए उनके ऊपर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इनके अलावा कुछ जानकारी लेना हो इंस्टा पर मैसेज करो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई देता हूँ, वो भी बेहतर तरीका से। देखो विकेट कीपरिंग सेक्शन में पी साल्ट से बेहतर कोई है ही नहीं, तो पी साल्ट के ऊपर क्यों रिस्क लेना? पी साल्ट को पिक करेंगे, बड़ा कोई रिस्क लेना चाहते हो डी पेरेरा के ऊपर जा सकते हो, लेकिन दोनों का फॉर्म बहुत खराब चल रहा है मेरे भाई। बाकी बल्लेबाजी में देखो फाडू प्लेसिस के ऊपर मैं लगातार रिस्क ले रहा हूं, हो सके इस मुकाबले में ये बढ़िया कर जाए, लेकिन हमें तो उम्मीद नहीं लग रहा। हमें तो उम्मीद है रीजा हेंड्रिक्स और रेली रोसाउ यहां से करना चाहिए। कोलिन इनग्राम ने लास्ट मुकाबले में अच्छा खेला, अच्छी बात है। एल्डो पोल्ली यहां से इंपोर्टेंट रहेगा। बाकी जेम्स निशाम को ट्राई कर सकते हो, मोइन अली को भी ट्राई। विल जैक भैया कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की गेंदबाजी लास्ट मुकाबले पे। रोमारियो सेफर्ड यहाँ से इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि डेथ में डाल जाता है, बाकी अन्य के ऊपर बाद में विचार करेंगे। अब यहाँ से देखोगे हमारा फेवरेट एल विलियम्स, जिनको कैप्टन वीसी अक्सर देता हूँ और निराश करता नहीं है। अब एक हमारा जो बढ़िया साबित होगा डब्लू फार्नेल, जो कि लास्ट मुकाबला इन्होंने अच्छा करके दिया। अब देखो पहले गेंदबाजी करे तो एन बर्गर की टीम, तो एन बर्गर को पिक करूंगा, और अगर यदि पी आर सी की टीम पहले गेंदबाजी करे तो एस विजन को पिक करूंगा। एक चीज मैंने एक टिप्स वाले वीडियो पर बताया हूँ कि दोनों टीम सामान्य रहे तो जो टीम पहले गेंदबाजी करे उनका ज्यादा गेंदबाज लेने का प्रयास करो, और जो टीम पहले बल्लेबाजी करे ज्यादा बल्लेबाज लेने का प्रयास करो। कुछ लॉजिक उसमें था जो मैंने बताया, यहां पर डिटेल में नहीं बोल सकता। यह बात करी, अब स्पिनर को ज्यादा मदद हुआ तो स्पिनर सेकंड इनिंग में स्पिनर बढ़िया साबित होता है। तो एक हमारे जहन पे आदिल रशीद है, आपका भी जहन पे होना चाहिए। दूसरा इमरान ताहिर, आपको भी होना चाहिए क्योंकि दोनों क्वालिटी है। तो फिलहाल के लिए मैं यहां से जो है यहां से एच वी जोन के ऊपर मैं जा रहा हूं। बाकी एक बल्लेबाज काम करके आप चाहो तो एक्स्ट्रा गेंदबाज ले सकते हो। कैप्टन बीसी देखो विल जैक के ऊपर ही जाना चाहिए। अब देखो इस मुकाबले में ये हमें नहीं लगता है कि शतक जड़ा है, तो इस मुकाबले में भी शतक जड़ेगा, अच्छा नहीं करने वाला है, लेकिन इनसे बेहतर भी कोई तो नहीं है ना। तो इस वजह से मैं यहाँ से विल जैक को यहाँ से मैं कैप्टनसी, और बीसी हमारा मोइन अली होगा जो कि सीरीज में अभी तक अच्छा नहीं किया। एक मुकाबले में इन्होंने सेकेंड मुकाबले में अच्छा किया, बीसी हम लोगों ने दिया और प्रॉफिट भी करवाया, मिनी जीएल ले गया। तो मेरे भाई फिलहाल के लिए ये टीम सेव करके रख लो, इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। कहाँ? अपने टेलीग्राम चैनल डोमेस्टिक प्लेइंग 11 पे। तो आशा करते हैं भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट बेहतर जाए। आप भी भगवान से यही दुआ करो या मुकाबला हम लोगों के लिए अल्ट्रा क्लीनशिप जाए, मिलकर कमाए मिलकर छापे पैसा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और खेलते रहे हमेशा डोमेस्टिक प्लेइंग 11 के साथ हर एक मैच।